जिला शिक्षा अधिकारी पर सरपंच पति ने लगाया आरोप। राष्ट्रीय सरपंच संघ व सरपंच एकता कल्याण संघ के तत्वाधान में सौंपा ज्ञापन। जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपों को बताया निराधार। टीकमगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी पर अस्तून ग्राम की सरपंच अंजू यादव के पति के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि जब उनके द्वारा स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति मांगी गई तो उनके द्वारा अनुमति दी गई। उसके बाद आनाकानी की गई। जब विषय में उनसे बात की गई थी उनके द्वारा कहा गया कि आप सरपंच नहीं है, आपकी पत्नी सरपंच है, उन्हें हमारे पास भेजो। ऐसा सरपंच पति द्वारा बताया गया, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय सरपंच संघ व सरपंच एकता कल्याण संघ के तत्वावधान में पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जब इस मामले में शिक्षा अधिकारी शक्ति खरे से बात की गई, उनके द्वारा बताया गया कि स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाना अच्छी पहल, लेकिन सरपंच पति के द्वारा उसका कंट्रोल अपने पास में रखना चाह रहे थे, जो कि गोपनीयता की दृष्टि से उचित नहीं था। इसको लेकर उनसे मना किया गया और उनके द्वारा काफी बहस की गई तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी प्रयास किया गया। इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है। फिलहाल मामला आरोप प्रत्यारोप पर चल रहा है। मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। क्यों अंजू यादव अस्तून सरपंच, आपने आज ज्ञापन दिया, किन मांगों के लिए किया गया? मेरे पति पर झूठा मामला दर्ज किया जा रहा है शिक्षा अधिकारी द्वारा। क्या क्या किस बात, क्या झूठा मामला पे लगाया जा रहा है? पहले शिक्षा अधिकारी जी ने पहले परमिशन दे दी थी कैमरा लगवाने के लिए, और बाद में बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं देंगे और कैमरा नहीं लगवाने देंगे। एक बार सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाने देंगे, और एक बार वो हमारे स्कूल में भी आए थे गांव में अस्तौन में, अस्तौन में आए थे, तो हमने बात भी की उनसे, तो मिले भी थे और उनसे बात की, तो वो उनके बात में हम लोगों को थोड़ा अलग रवैया लग रहा था बात करने का, तो हमने घर पे बोला तो घर वाले ने हमें नहीं भेजा, तो मेरे पति को भेजा, तो वो बोल रहे महिला को भेजो। अकेले में क्या मतलब है महिला को बुलाने के लिए? महिला किस लिए, मतलब हस्बैंड को मैंने भेजा? कहाँ बुला रहा है वो? अपने वहाँ चैम्बर में। क्या नाम जिला शिक्षा अधिकारी का? जिला शिक्षा अधिकारी का क्या नाम? जी है सागर।